मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ये 7 साल का पीरियड दिया गया है, ये काम थोड़ा सा आप ताकत लगाकर जिला निगम को और इनके साथ बैठकर ये करीब 3 साल के अंदर कैसे पूरा हो सकता है, इसका वॉल पुटिंग पर अगर आप करेंगे तो होगा तो दिल्ली को इसका बहुत मुख्यमंत्री जी ने ये जो मेरे पास मांग की थी कि ये जो इतना बड़ा 600 पानी एमएलडी पानी निकलेगा ये वो वजीराबाद में छोड़ना चाहते हैं और ये पानी पीने लायक है। सिंगापुर में ये पानी पीते वर्ल्ड पीते हैं। तो मैंने उनको कहा अगर आप ये मांग कर रहे हैं तो मैं वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री की ओर से दिल्ली के लिए इस पानी के लिए आपको अनुमति दूंगा और ये अनुमति भी दिल्ली के लिए। एक डीबीओटी डिजाइन बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर के आधार पर एक 66 करोड़ रुपए की राशि वाला इसके सीवरेज पंपिंग स्टेशन की परियोजना, उसका निर्माण छतरपुर नई दिल्ली में 9 विकेंद्रीकृत एसटीबी 22.5 एमएलडी को अनुमोदन किया गया है। इसके अतिरिक्त यमुना नदी में प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए नमामि गंगा के हिस्से से कोरोनेशन किलर का जो प्लांट है वो डिजाइन बिल्ड एंड ऑपरेट के आधार पर 10 वर्षों के लिए प्रचल अनुरक्षण के लिए कार्यों से 318 एमएलडी है। एसटीपी के निर्माण और पेरिफेरल सीवर लाइनों के कार्य के पुनरुद्धार का कार्य किया जा रहा है। 515 करोड़ रुपए का ये लागत है और दिल्ली सरकार ने नमामि गंगा की ओर हमें मांग की थी, हमने उनको 207 करोड़ रुपये का योगदान इस प्रोजेक्ट में दिया और इसके पैसे भी उनको पास कर दिए। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मैली से निर्मल यमुना पूर्वोत्तर योजना 2017 चरण 1 के तहत यमुना नदी को साफ करने के अन्य उपाय को भी नमामि गंगे में 344.81 करोड़ रुपए की राशि को भी हमने दिल्ली में मंजूर किया है। इसमें आपको मालूम है कि नजफगढ़ नाला कैसा है, दिल्ली में नजफगढ़ नाला ढांसा से केशवपुर के कमांड क्षेत्रों में एसटीपी कार्य को स्वीकृति दी है। दिल्ली में यमुना नदी पर ट्रैंस स्वीमर भी चलाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ यमुना नदी पर हरियाणा में प्रदूषण निवारण करने के लिए हमने पानीपत और सोनीपत 10 शहरों को भी नमामि गंगे से पैसे दिए हैं और कुल क्षमता 90 एमएलडी और 130 करोड़ रुपए की योजना पानीपत में ये भी हमने पूरी की है ताकि यमुना का वहाँ का गंदा पानी ना आए। और सोनीपत में 90 एमएलडी ये करीब 90 करोड़ रुपए ये भी हमने दिए और ये दोनों काम पूरे हुए हैं, इसकी मुझे खुशी है। हरियाणा के मुख्य परियोजना घटकों में से 70 एमएलडी क्षमता की नई स्थिति का निर्माण और 75 एमएलडी क्षमता की मौजूदा स्थिति का पुनरुद्धार शामिल है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 80 एमएलडी क्षमता के 6 एसटीबी का भी निर्माण किया जा रहा है। केवल यमुना पर दिल्ली में काम नहीं हो रहा है तो हम आगे भी कर रहे हैं, हरियाणा में ये योजना कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हम यमुना पर राज्य सरकार द्वारा 123 एमएलडी क्षमता के 2 एसटीबी का भी निर्माण कर रहे हैं और यमुना जहाँ जाती है जिसके लिए भी हमने नमामि गंगे की तरफ से मथुरा में सीवरेज परियोजना का भी शुरुआत की है जो 450 करोड़ रुपए की है। इसकी क्षमता करीब 70 एमएलडी है और यह हाइब्रिड एनयूटी में है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी को मिला है और ये पानी 40% हम हाइब्रिड एनयूटी में ग्रांट दे रहे हैं, 60% वो प्राइवेट त्रिवेणी इंजीनियरिंग लगा रहा है और इसका जो शुद्ध जल होगा वो हर साल इंडियन ऑयल खरीदी करेगा मथुरा में और 19 करोड़ रुपए देने वाला है। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है और महानगर पालिका के मेयरों को भी मेरा आह्वान है, वीडियो को भी है कि दिल्ली के पूरे गार्डन्स को, दिल्ली के सभी स्कूलों को चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, दिल्ली के सभी स्टेडियम्स को चाहे गवर्नमेंट है प्राइवेट है कहीं भी हो, दिल्ली के सभी बगीचों को आप ये रेड कार्ड का मैंने नागपुर में स्कीम की है, आप रेड लग के ट्रैक्टर तैयार करो और फ्री ऑफ चार्ज पानी बांट कर ये पूरे दिल्ली के ग्रीनरी के लिए गार्डन्स के लिए पानी दे। इंडियन ऑयल से पानी बेचकर 19 करोड़ मिल रहे हैं और उसे बताने में खुशी हो रही है कि हमने नागपुर में सबसे पहले देश में शुरुआत की, लोग पूरे हंसते थे, अभी हम 79 करोड़ रुपए हर साल टॉयलेट का पानी बेचकर हमारा इनकम हुआ है। ये पानी भी आप बेच भी सकते हैं तो हम आपको अनुमति देंगे, आप इंडस्ट्री को बेचो, आप प्रीकास्ट के लिए बेचो, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए बेचो ताकि दिल्ली के प्रदूषण के लिए ये अच्छा होगा।
ये मथुरा का प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छा एग्रीबिलिटी का, जिसका मुझे लगता है कि हम उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक निर्णय किया कि वन सिटी वन ऑपरेटर, कानपुर से लेकर इलाहाबाद, क्योंकि महानगर पालिका नगर पालिका ये काम करने में इतनी प्रोफेशनल एफिशिएंसी नहीं आती, और इसलिए जितना पानी शुद्ध होगा उतने पैसे मिलेंगे। तो स्वाभाविक रूप से इसमें हमने आईटी का उपयोग करके सोफिस्टिकेटेड सिस्टम भी तैयार किए हैं, ताकि हम रोज पानी को चेक कर सकें, और मुझे लगता है कि इसके कारण भी क्वालिटी पानी की अच्छी रहेगी। और ये 15-15 साल के लिए यमुना का वो प्राइवेट वाले मेंटेन करेंगे, उसी की जिम्मेदारी होगी, और इसलिए सब जगह पर हमने जिम्मेदारी ऑपरेटर पे दी है। मुझे लगता है ये योजना दिल्ली के लिए भी फायदे की होगी। मैं वृंदावन में भी और 33.81 करोड़ के 5 ओएमडी के नए स्थिति के निर्माण को हमने मंजूरी दी है। वृंदावन की क्षमता अपनी 13 एमएटी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त यमुना नदी पर कुछ शहरों की पहचान की गई है। देखो तो यमुना को शुद्ध करने के लिए, गंगा को शुद्ध करने के लिए हम कहाँ कहाँ घुसे, यहाँ हम लोग इटावा, बागपत और फिरोजाबाद, यहाँ भी हमने मंजूरी दी है, यहाँ भी हम लोग प्रदूषण से गंगा को रोकेंगे। और ताजमहल के किनारे पर यमुना में हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए नमामि गंगे ने बहुत बड़ी परियोजना को स्वीकृति दी है, और अनुमानित लागत 900 करोड़ रुपए है। और आज मैं घोषित करता हूँ कि आगरा के लिए इस योजना को मंजूरी दे रहा हूँ, जिसमें 180 एमएलडी का एसटीपी और 17.21 करोड़ कोर्ट में केस हुई थी, और सीवेज नेटवर्क के साथ शुद्ध होगा। हिमाचल में यमुना पर धोखा से शाफ्ट करने के लिए 11.57 करोड़ रुपए की योजना को हमने स्वीकृति दी है। मुझे खुशी है कि ये सब योजनाएं जो है ये अत्यंत गंगा को शुद्ध करेगी। जल प्रदूषण का ये जो काम है इसमें और एक अच्छी बात है, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को और DDA को अनुरोध करूंगा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का इसमें नई फिलोसफी है, कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। ये जितने प्रोजेक्ट हम डाल रहे हैं, इस पानी से मीथेन निकलता है, मीथेन से CO2 अलग करके बायोसीएनजी निकलता है, और दिल्ली की जितनी परियोजना है उससे अगर बायोसीएनजी निकलेगा, क्योंकि मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी रखता हूँ, तो दिल्ली की 1000 से 1500 बसेस का बायोसीएनजी ये गंदे पानी से मिलेगा। अगर आप चलाएंगे तो हम उसको लिए पूरा सहयोग करेंगे। जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा था कि जल प्रदूषण का हुआ, वैसे दिल्ली का एयर पोल्यूशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दिल्ली हमारी राजधानी है, और बीच में हमने इसका एक स्टडी किया था, और उसमें दिल्ली में ट्रैफिक जाम, वाहन प्रदूषण, मैं भी उसका भुगत भुगी हूँ। रोज हवाई जहाज से आने के बाद मुंबई, वो जो धौला कुआ, वहाँ आधा आधा घंटा लगता था, और एक दिन मैंने इतना मेरा सामने खराब हुआ कि ऑफिस में आकर मैंने बुलाया तो बोले रोड जहाँ भी उतरता है वहाँ NHI खत्म होता है। तो मैंने बोला रिक्वेस्ट करो आगे का रोड ले लो और धौला को वापस सुधारो, नहीं तो मेरी जिंदगी रोज एक साथ रोज यही है मेरे कारण है। तो दिल्ली की जनता को भी कितनी तकलीफ होती है, और उसने धौला कुआ का काम हमने दिया है, वो भी काम अब जोरों में शुरू है। दिल्ली NCR में ट्रैफिक को कम करने के लिए, और दिल्ली हमारे देश का दिल, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दिल्ली को स्पेशल प्रायोरिटी दो, और इसलिए दिल्ली में पहले 50,000 करोड़ का हमने लेने का निर्णय किया। दिल्ली का एक ट्रैफिक का भी स्टडी किया है। दिल्ली में 5 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जहाँ 5.5 लाख वाहन रोज चलते हैं, इसमें 1.5 लाख कमर्शियल व्हीकल है। और आपको पता होगा कि जो योजना हमने बनाई है, अश्विनी ने बताया, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ये हमारा आधा आधा हरियाणा ने बनाया, 135 किलोमीटर, 10,000 करोड़ ये काम हमने पूरा किया है। द्वारका एक्सप्रेसवे 28 किलोमीटर, 6,000 करोड़ टेंडर निकल गए, इसको वर्कऑर्डर दिया है, आने वाले 15 दिन महीने भर में इसका शुभारंभ करेंगे। अक्षरधाम रोहिणी बागपत दिल्ली सारनपुर, 150 किलोमीटर है, 10,000 करोड़ का काम है, इसका टेंडर आने वाले 15-20 दिन में निकालेंगे और इस कार्य का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली मेरठ आने के लिए 4.5 घंटे लगते हैं। मैं विश्वास देता हूं कि मार्च अप्रैल के बाद आप केवल 40 मिनट में दिल्ली से और इसकी कीमत 7,000 करोड़ है, और उसमें से पहले 14 लेन का जो हाईवे है जो बनाया, जो उसका आपको फायदा मिलता ही हो, वो
कर लिया दिल्ली मेरठ का काम प्राचीन शुरू है। यूईआर फेस टू ये ड्यूरिंग रोड है, इसमें मुख्यमंत्री जी का जी का हमको सहयोग चाहिए। ये काम 4000 करोड़ का, इसमें लैंड एक्विजिशन करने में जैसे भी होगा ये हम पूरा करने की जिम्मेदारी हमने ली है, क्योंकि हमारे MP यहाँ बैठे परवेश जी, इन्होंने मुझे इसका बहुत पीछे लगे और आखिर ये जिम्मेदारी हमने ली और इसका भी काम हमने 4000 करोड़ और जगह लोगों को करने का अंतर जो आप देने वाले हैं वो काम शुरू है और पूरा करेंगे तो तुरंत इसका टेंडर निकालेंगे। नौकरबा चौक से पानीपत 2300 करोड़ रुपए का काम जोरों में शुरू है, जल्दी पूरा हो जाएगा। धौलाकुआ एयरपोर्ट कॉरिडोर मार्च एंड तक पूरा होगा 280 करोड़ का। और एक कालिंदी कुंज फरीदाबाद और बल्लभगढ़ सोहना, ये 7 किलोमीटर का 4000 करोड़ का काम है। उत्तर प्रदेश के सरकार ने नहर के बाजू की जमीन देने के बारे में कहा था और उसके लिए दिल्ली के सरकार ने भी तो बहुत सहयोग किया और ये भी रोड अब इसका भी काम शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों की जमीन से ये काम पूरा होगा। ये 47,000 करोड़ के काम है, ये 50,000 कर तक चले जाएंगे और मेरा विश्वास है कि इससे बहुत बड़ी राहत मिली। भारत सरकार ने एक अच्छा निर्णय किया है कि जो परली है उससे जलाने की बजाय उससे इथेनॉल बनता है, 1 टन परली से 280 लीटर इथेनॉल बनता है। और ये मेरी बात को आप कंसल्टेंट जैसे मानिए, मैं बायोफ्यूल का बहुत एक्सपर्ट हूँ और अभी मैंने हमारे यहाँ ये परली से हमने बायोसीएनजी बनाया IIT के इंजीनियर पुराने और उससे 18 साल पुराना ट्रैक्टर उसकी कीट लाकर अभी ट्रैक्टर भी चलने लगा। तो परली जलाइए, परली से इथेनॉल बनाइए, बायोसीएनजी बनाइए, ताकि किसानों को इसका फायदा होगा, रोजगार का भी निर्माण होगा और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव और प्रदूषण। मेरा विश्वास है कि जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों को मुक्ति देना ये केवल एक कोई एजेंसी काम नहीं कर सकती, इसमें भारत सरकार भी है, हर्षवर्धन जी की मिनिस्ट्री है, दिल्ली की महानगर पालिका DDA और दिल्ली की राज्य सरकार और सबसे बड़ा सहयोग दिल्ली की जनता का। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।